इस साल नरमे की फसल लगातार दूजे साल सुंडी का हमला सह रही है। पिछले साल गुलाबी सुंडी ने नरमा पट्टी विच नरमे की फसल नूं बर्बाद कर दिता, जिस करके किसानां नूं अपनी खड़ी फसल वाहनी पई। पिछले दो सालों तो उन्हां नूं लगातार घाटा सहना पै रहा है। नरमे की फसल के नाकाम होने कारण किसान इस दी थां ते झोना बीज रहे हैं, जिस दे नाल पानी का पद्धर नीवा करन वाली ये फसल नरमा पट्टी विच वी जगह बना रही है, जिथे पानी की पहला ही घाट है। एडा एडा मोटे मोटे नरमा सीगा जी, इत्थे आ वाण दे विच मोटे मोटे नरमा मरिया होया, मन के रूटावेटर करिया विच खिड़े एडे एडे फुट भी सीगे। सानू डक्का मुआवजा नहीं मिलिया उस चीज़ का, सरकार ने मुआवजा दिता 17,000 रुपया किले का, साढ़े को 5 पैसे नहीं पहुँचे जी। हर के दुबारा असी जीरी लाई है, जीरी जी उ 10-20 मण होनी है जी, उन्होंने टाइम के जो टाइम ही लंघा चीज़ का होगी वह हिसाब नहीं होगी, 15-20 मण किले की हुई जी। उन्हें आदा मान लो जोड़ा वो उत्ते खर्चा करे उन्हें आदा खर्चा ही मुड़िया। हूँ किसान की करूगा जी, अक्सर फाहा ही लूगा या स्परे पीऊगा, होर की करूगा जी, दुखी है भविख बच्चों का। असी तो यही गल कहने बच्चों भी किसी ना किसी लोड़ पढ़ लो भाई, पढ़ के आदा कोई बाहर का कर लो, वधिया रहोगे, इतों किला वाण बेच देंगे कोई चक्कर नहीं, अपन वाण तक का कोई नहीं है भी, जिंदगी बच्चों की तो बनू। जे बच्चे भी इसी लैन से वग गए तो मन के चलो भी थोड़े नाल साड़ी भी जिंदगी मगरे यही है, साडा खड़ा नहीं छुट रहा। जे तुसी अज साडा खड़ा छुड़ाउणे हो तां एक बाहर जाके जां पढ़ के किसी किते लग दो, अज साडा खड़ा छुट जू, नहीं साडा खड़ा नहीं छुटदा जे इसे लैण ते रह गए। असी किसानी तो दुखी हैं जी, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मान लो जिहड़ा असी खर्चा करते हैं वह साडे मान लो वापस पल्ले पैंदा नहीं, बहुत मंदा हाल सीगा जी। मेरे जिहड़ा जिहड़ा नरमा असी चुगण लग गए सीगे, नरमा थले 2-2, 4-4 फुट खिड़े हुए नरमा बाहिया जी। आदा पुत्ता आप मारना कोई यह चौड़ की गल नहीं हैगी, पाल के फसल पुत्ता नालों भी वध प्यारी है, 4-4 बारी नरमे गुडे रीझा नाल पाले हुए सीगे। कोई गल्लां कोई बंदा कर लिया, पुत्त दे हाथ ला के देखे असी, मतलब पुत्ता नूं वध फसल असी आदे रूटे वेटर नाल मिली हुई है। इत्थे मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, पिंड शेखपुरा, सील तलवंडी साबो, जिला बठिंडा। असी तकरीबन 10 किल्या की मैं खेती करदा, मेरे को 10 किले जमीन दे, ते 3-4 किले नरमे दे लाए सी। पिछले साल भी सानू गुलाबी सुंडी और चिट्टे मच्छर की वजह करके वाहना पै गया, और इस साल भी बिल्कुल सेम स्थिति है। टिंडिया नू देखदे आं तोड़ के तां गुलाबी सुंडी निकलदी है, ते असी सोचदे आं पिछले साल वाली गलती ना दोहराई जाए, क्योंकि हले समा रहिंदा है, कुछ खर्चा कर चुके हैं असी, काफ़ी खर्चा कर चुके हैं भी, झोना ला लीए शायद साडा खर्चा मुड़िया। साडा पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, पिछले साल उस समय दे विच जाके सानू गुलाबी सुंडी का पता लग गया, जदों कि असी उदों कोई फसल नहीं बीज सकते सी, साडा सारा किराया किराया तरिया तरिया उवें दा उवें रह गया। बाकी जिहड़ा नरमा पट्टी का किसान है, ये बड़ी मुश्किल नाल अमरीकन सुंडी तो जां होर किसी भी तरह की सुंडी तो बड़ी मुश्किल नाल निजात पाई सी, इन्हें बीटी कॉटन सानू दिता सी जिहड़ा गवर्नमेंट ने, ते पर वो सानू फिर दोबारा वो दिन याद आ गए जदों असी मतलब महीने दे विचों 25-25 दिन स्परेहां करके असी नरमे नू पाल के शहर तक लैके जांदे सी, क्योंकि साडे कोल कोई इस तरह का कोई पैरामीटर है नहीं भी असीं बीज नू उदों देख के दस देंगे बीटी इहदे कोल है जां लगी है जां नहीं लगी, किसान नहीं दस सकदा। किसान नूं तां जदों बीजता उग पिया, उगण तों बाद जदों फल लगण दा टाइम आया उदों उहदे विच सुंडी पै गई, किसान नूं तां फिर पता लगना है। सब तो वड्डी गल दुखदाई इह वी है, उदों पैरामीटर नाल चैक करना किहड़ा बीज आ रिहा किवें आ रिहा, इह सरकार दा काम है। पिछले साल कुछ किसान वीर इहो जिहे वी है जिन्हां ने एक टिंडा वी चुक के नहीं देखिया। देखो नरमा उह किसान बीजदा जिहदे कोल पाणी दा पक्का प्रबंध है नहीं, क्योंकि जिहड़ा धरती हेठला पानी है वह साढ़े माड़ा है, बहुता चंगा नहीं, तो असी इत्थे झोना उस तरीके नाल नहीं ला सकते जिमें मतलब चंगे पानी वाली जमीन दे विच हुंदा है। तां करके असी सरकार तो यह मंग करते हैं भी इहदा बदल
बाजरा हो गया, इस अलावा होर भी बहुत सारिया फसलें जिहड़ियां साडे मतलब माड़े पानिया करके सिर्फ थोड़े पानिया नाल पलन वालियां फसलें वो हो जाएगी, असी नरमे नूं दा खेड़ा छड्ड देंगे, वो तो सानू MSP दिती जाए, मार्केटिंग का भरोसा होवे, सरकार उन्हूं खरीदे आपदे लैवल ते, तां फिर मतलब असी ये जिहड़ा नरमा है यदा खेड़ा छड़ देंगे, सानू कोई इहदे नाल कोई कोई प्यार नहीं, बल्कि सानू तां बीजन वेले भी दुख हुंदा है क्योंकि पता हुंदा इन्ने महंगे भा दा भी पा के भी पता नहीं इन्हें होना कि होना नहीं, तो वाहुण वेले तो होना ही होना क्योंकि हुण बहुत ज़्यादा खर्चा करके ये जदों किसान खर्चा करके और वाहुण ते भी खर्चा आउंदा, देखो दुखदाई गल ये है भी सानू वाहुण ते भी खर्चा आउंदा, इनू खत्म करने वास्ते भी खर्चा आउंदा। मैं उही गल कहना भी किसान कोई मंगता नहीं हैगा सरकारां दे मूहरे, सानू दिओ असीं बीजण लई तैयार आ, असीं तां मेहनत कश लोक आंगे, असीं मेहनत करदे पए आ, सानू बदल दिओ, असीं साडा जी नहीं करदा असीं बाद कीनू, बिल्कुल असीं सर्कल ही खत्म कर देंगे, कणक भी नहीं बीजदे, झोना नहीं बीजदे, कणक नहीं बीजदे। सानू दुख वाली गल इह है सब तों ज़्यादा भी सानू उह चीज़ मजबूरी च बीजनी पै रही है जिहड़ी पंजाब दे विच लोक खांदे ही नहीं, खांदे ही नहीं। चौल पंजाब दे विच मैनू ये लगता भी जिन्ना पैदा किया जाता है यदा 7-8% खाधा जाता है, तो कॉटन है जिहड़ी ये नरम है ये तो सब सारे हिंदुस्तान नू जरूरत है। इस टाइम जी तो इन प्रॉब्लम चल रही है वह हैगी एकदम मच्छर की, जो तुम देखोगे ये ना मच्छर काफ़ी ज़्यादा बनया हुआ, हूँ जिम्मे स्प्रे की हुई आ मच्छर गिरा तो उड रहा बिच होर भी है गा। ते दूसरा हैगा जिहड़ा गुलाबी सुंडी का भुमक्कड़ का अटैक हो चुका, हजे फसल तकरीबन 2.5 महीनों की आ, 2.5 महीनों की तो काफ़ी ज़्यादा अटैक होया हुआ भुमक्कड़ का अटैक है, जिम्मे आप टिंडे तोड़ के देखा तो वेद जोड़े है टिंडे काने हो चुके आ बेसिकली जी, हाँ गुलाबी सुंडी का अटैक स्टार्टिंग आ चुका, आखोगे पूरा जोड़ा बूटा हैगा ये तो पूरा मच्छर का अटैक हो चुका, आदा मलबा गा ये 2015 सेम यही बीमारी उदों आई सी, तो यही हूँ इस बार ज़्यादा पै रही है, ये हम दवाई की हुई है ता करके उड नहीं रहा है, तो केरा कंट्रोल किया पर हैगा बिच जे तुम देखोगे ना तो यह हैगा काफ़ी जोड़ा मलबा ये उदा ही आता, ये जोड़ा है रस चूसदा गा तो इनू सुका दिता जिमें क्योंकि पत्तिया ने ऑक्सीजन देनी आ, एक बूटे ने जे बदना फुलना तो उन्होंने पत्तिया ने ऑक्सीजन लेनी उतों, तो वो जो यही खत्म कर लो ये रस चूस लो तो वो जोड़ा बूटा होगा वो जड़ होगी जी वो खत्म हो जूगी, उन्होंने सही ना मिले तो दूजा अटैक जोड़ा है वह है गुलाबी सूडी का, जिम्मे आप गह टीडे देखा उन्हें गुलाबी सूडी जो गुलाबी सूडी बच्चे पै जाती है वो पहली गल तो जोड़ा है कॉटन की जी क्वालिटी आनू घटा रही है, उस जो बड़ेवा उन्होंने खत्म कर रही है, जोड़ा उस रेशा है तो जी कपाह गई कपाह की क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो रही है, जिद करके सूँ मंडी के कोई उन्होंने खरीदूगा नहीं। जे यदि आप हिस्टरी की गल करिए बैक तो हिस्टरी की गल करिए सुन च आ रहा खबर भी 2016-17 तो पै रहा पंजाब जोड़ा अपन पूरा अटैक देखने को मिला वो लास्ट ईयर मिले, जी दूजी चुगाई करते हैं जो आप दूजी चुगाई मेन होंगी उसू झाड़ मिलना होंगे वो दूजी चुगाई ही उन्हें खत्म करती सारी, किसान को पता नहीं लगे क्योंकि जे तुम यदा बूटा देखोगे उन्होंने कोई बीमारी नहीं हैगी, उन्होंने कुछ नहीं है तुम्हें पता नहीं लगेगा भी इन्हू कुछ हैगा बीमारी हैगी, पर जो वो टींडा सीगा वो टींडा खेड़ ही नहीं सी रहा उस रूं निकल ही नहीं सी रही, हुण तक जिहड़ियां इहदे स्प्रेहां होईआं ने 2 स्प्रेहां हो चुकियां ने हुण तक, तीजी स्प्रे की तैयारी आ क्योंकि एक तो हुण जे मैं वो ट्रैप लग्या होया गा भुमक्कड़ काफ़ी आ चुकिया गा तो उन्होंने भुमक्कड़ नूं कंट्रोल करन वास्ते जिहड़े हुण आ फलावर होए हुए आ फलावर है जिवें ये जोड़ा भुमक्कड़ वह कहें आंडा दिंदा है तो वह आंडे खत्म करने वास्ते एक स्प्रे आ स्प्रे का आप छिड़का करा वो आंडा खत्म करूगी, वह कह रहे हैं वह रिजल्ट की निकलूगा वो आप बाद देखा जे इस हिसाब से देखिए जोड़ा हूँ चल रहा उस हिसाब से तो सूँ लग रहा भी 13-14 स्प्रे आरामदारी हो क्योंकि हजे तो स्टार्टिंग आना यदा एक स्प्रे ये ला लो जे तो वधिया पूरी वधिया कंपनी की करनी है तो वह 600 रुपया किला भी पैंती है, जे थोड़ी कमजोर कर रहे हो कोई वो कर रहे हो तो 400 रुपया किला भी पैंती है 300 रुपया किला भी पैंती है। मेरा नाम मनिंदरजीत सिंह पिंड शेखपुरा जिला बठिंडा का रहने वाला, मेरे को अपनी 3 एकड़ जमीन है जिस दे नाल नाल मैं 10-12 किले ठेके ते लैके खेती करदा है, हर साल की तरह
नरमे नूं इस बार भी बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई। पिछले गेरे तो तकरीबन कल्ली गुलाबी सुडी की समस्या सीगी, इस बार नाल नाल चिट्टा मच्छर ते हरे तेले ने बहुत ज़्यादा हमला किया होया है। तुसी नरमे देख सकते हो, इसका हजे तक कोई हल नहीं होया, ना कोई खेतीबाड़ी वाले कह रहे हैं। जिहड़ियां उन्होंने दवाइया सिफारिश कीतियां सी, दो दो तीन तीन स्प्रेहां असीं कर चुके हैं इस तो पहला, पर इसका कोई हल नहीं होया। हुण ये नरमा असी बीजा ठेके ते लैके जेकर इहनूं बाहुणे आ असीं तां फिर पानी का साधन नहीं हैगा कोई। मान लो होर फसल बीजदे हैं, जे मन के चलो असी भी गुवारा बीजदे हैं तां उपरों मौसम खराब है, एक महीना तां असी गुवारा बीज ही नहीं सकते। बीजदे करांगे उह फिर करंट हो जाया करूँ, उहदा सानू फिर लॉस हो जू। पहले असीं 15-20 हज़ार खर्चा नरमे ते करी बैठे हैं, 60 हज़ार असीं ठेका दे बैठे हैं। सो असीं सरकार तों मंग करदे हैं भी मौसम के हिसाब नाल खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी नूं कोई इस तरह दीआं फसलां रिकमेंड कराउण जिस दे नाल किसान वीरां दा कोई भला हो सके। ये जो नरमे की फसल है, मेरे तजर्बे अनुसार मैनू 15-20 साल हो गए खेती करदे नूं, भी 3-4 साल हजे नरमा होर नहीं हुंदा। सो किसान वीरां नूं बेनती है भी एवें खर्चा करन दा मेरे हिसाब नाल कोई फायदा नहीं। जिन्ना चिर सरकार कोई नवा बीं जां कोई कंपनियां दावे नाल ये नहीं कहिंदियां भी साडी इस दी पूरी जिम्मेवारी है, उन्ना चिर बीजण दा इहदा कोई तुक नहीं बणदा। जो पहला देसी बीज चलते सी कपाह ते नरमे दे, उन्हां नूं भी तेला ते सुंडी दीआं समस्यावां हुंदियां सी। हौली हौली समस्यावां सुंडी दीआं ज़्यादा वधदियां गईआं, ज्यों ज्यों वधदी गईआं इत्थों तक कि यह नौबत पहुँच गई कि इत्थे 32-33 स्प्रेयां भी फार्मर नूं करनियां पैंदियां सी, फिर जाके किते कोटन सिरे चढ़दा सी। ते किसान बहुत परेशान सी, ते उस दा हल लभण दे लई 2003 दे विच बीटी कोटन आया गा। जो बीटी कोटन सी ये अनुसार एक दम इहदी जिहड़ा उत्पादन बहुत ज़्यादा वध गया, क्यों इहनूं कोई बीमारी ना तेला ते ना ही कोई सुंडी किसे तरह दी इहनूं कोई प्रॉब्लम नहीं सी आउंदी। ज़्यादा झाड़ वधण दे कारण जमीन दी जिहड़ी शक्ति सी उह भी ज़्यादा लगन लग गई, हौली हौली जमीन भी कमज़ोर हुंदी गई, अते इन्हां बीआं दी जिहड़ी रोग प्रतिरोधता सी उह घटदी गई, ते रजिस्टेंस पैदा होण दे नाल हौली हौली बीमारियां वधदियां गईआं। ये जिहड़ा बीटी दे उत्ते पहलां बीटी बन आया सीगा जिहदे ते अमरीकन सुंडी दा कंट्रोल सीगा, फिर दूजा बीटी आया, बीटी सैकंड आया, उहदे च काली सुंडी दा भी कंट्रोल सी। उस तों बाद कई साल तक मतलब ये जिहड़ा नॉर्मल काम मतलब सही चली गया। नाल इहदे बीटी दे नाल एक बिना बीटी वाला बीज दित्ता जांदा सी फार्मर नूं, जो कि फार्मर ने वह बिना बीटी वाला बीज लाया नहीं है, उन्हूं पासे किनारियां ते लाउणा हुंदा सी। इन्हां दे नाल लाउण दे नाल ये सिड़दे रहे ते उहदे च रजिस्टेंस हौली हौली वधदी गई है। हुण पिछले साल आ के जो गुलाबी सुंडी दा अटैक होया वो इन्ना जबरदस्त अटैक हो गया कि फार्मर उन्हूं सहन नहीं कर सकिया, उहदे ते कंट्रोल नहीं कर सकिया है, ते वो अटैक वधदा 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 ही गया ते फार्मर साडे एरिए दा निराश हो गया। ते कुछ मतलब गुजरात दे व्यापारी उन्होंने इस गल का फायदा उठाया भी फार्मर भोला भला गा, उन्होंने गुजरात दियां जो कोई कंपनियां सी उन्होंने इनू फसला लिया कि साडे कोले इस तरह की तकनीक आई आ जिन्हों गुलाबी सुंडी नहीं पऊगी। साडा ज़्यादा फार्मर मतलब गुजरात दे चों इस बार सीड ले आया जो कि उन्हूं वायरस रोग ज़्यादा आ रहा है, तो वह कद काठ कर नहीं रहा, वो जमीन दे विच ही बढ़दा जांदा गा, पूरा मतलब वध फल नहीं रहा गा। तां फार्मर नूं हुण भी इस तरह दा ही सी कि गुजरात 'च पहलां आ गया जो बीटी जिहनूं गुलाबी सुंडी नहीं पैंदी उहनूं इस तरह ही सी जिवें पहलां वाले रूटीन मुताबक, इस करके वह फार्मर इस बार भी गुजरात 'चों बीटी लै के आया गा यह समझ के कि इहनूं गुलाबी सुंडी नहीं पैणी। पर इस तरह दा सानूं कोई नहीं लगता भी कोई इस तरह दा बीज बणिया गा जिहनूं गुलाबी सुंडी ना पवे।